In this video, I am going to talk about the sampling distribution. It is one of the distribution methods that is a form of inferential method. Inferential statistics में बात करते हैं. Inferential किसको कहते हैं कि inference से निकला है लफ्ज़. Population होता है हमारे पास. Population से हम अगर कुछ sample collect कर लें तो उसको हम inference कर रहे हैं कि हम बड़े data से छोटे data में आ रहे हैं तो हम inference कर रहे हैं उसको. तो इसको हम इसीलिए inferential statistics में study करते हैं. तो sampling distribution हम अपने सैंपल पे फोकस करते हैं, सैंपल से अंदाजा लगाते हैं कि हमारा डाटा कैसा है. तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड्स है, वन इज विद द रिप्लेसमेंट एंड अदर इज विदाउट द रिप्लेसमेंट. अगर मैं सिंपली ब्रीफली डिस्क्राइब करूं कि विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, तो विद रिप्लेसमेंट में मतलब है कि मैंने अपने पॉपुलेशन से डाटा अपना सैंपल बनाया, फिर रिप्लेसमेंट की मैंने उसकी, मैंने अपने सैंपल को स्टडी किया, सैंपल को फिर वापस जाके अपने पॉपुलेशन में, जब उसमें रखा, पॉपुलेशन में रखा, पॉपुलेशन से फिर दूसरे डाटा को स्टडी करने के लिए फिर दूसरा सैंपल बनाया, फिर उसको रिप्लेस किया. तो इस तरह रिप्लेसमेंट हो रही है. मैं एलिमिनेशन किसी चीज की भी नहीं कर रहा, मेरा जो पॉपुलेशन साइज है वो मेंटेन रह रहा है. अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो मैं अपने पॉपुलेशन से अपना सैंपल बनाता हूँ, सैंपल से फिर उसको एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मेरा पॉपुलेशन साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द विद रिप्लेसमेंट मेथड. सिर्फ ये डिफरेंस है, लेकिन आंसर्स दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है फॉर द मीन्स. उसको हम कैलकुलेट करते हैं. सो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर डीलिंग विद हियर आर मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. यस, मैं वेरियंस की बात करूं, वेरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट हियर. सिग्मा स्क्वायर, so the two important things that we are dealing with here are, one of them is mean and the other is variance. Variance is important, aur ye dono ek standard hote hain to check the validity of our data, ki hamara data kitna sahi hai. mera yahan pe ye calculations ka maqsad ye hai ki main apne population ke liye pehle mean aur variance nikalunga, फिर मैं अपने सैंपल के लिए सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, फिर उसकी मीन और वेरियंस निकालूंगा, और मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि मेरे सैंपल में कितना क्या डेटा आ रहा है, क्या आंसर्स आ रहे हैं उसके, और पॉपुलेशन के क्या आंसर्स आ रहे हैं. अगर तो आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं, कोई रिलेशन बन रहा है उनका, तो दैट मीन्स कि हमारा डेटा जो है दैट इज वेरी वैलिड. हमने डेटा के कलेक्शन मेथड्स अच्छे थे हमारे. फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज करता हूँ कि मेरी पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन 6, 8, 10, 12 एंड 14. इस डेटा को मैंने, इसका मीन निकालना है, इस वेरियंस निकालना है, ये मेरे पास कंप्लीट डेटा है. अब मीन इसका कैसे निकालेंगे? मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 8, 10 प्लस 12 प्लस 14, सारों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड किया, आंसर आया 10. ये हमारे पास आ गया मीन. दूसरा हमारे पास वेरियंस कैलकुलेट करना है. वेरियंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स माइनस मीन्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. एन, कैपिटल एन रेफर करता है पॉपुलेशन साइज को. पॉपुलेशन साइज का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है, एन इधर भी 5 है, और एक्स हमारे पास वैल्यू का डिटरमाइन करता है कि एक्स हमारे पास 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी, 14 भी. तो हम बारी बारी सारों के लिए कैलकुलेट कर देते हैं. 6 एक्स की अगर वैल्यू 6 हो तो 6 माइनस 10, म्यू 10 है, 6 माइनस 10 का स्क्वायर एक दफा उसमें एडिशन करनी है सारों की, 8 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 12 माइनस 10 का स्क्वायर, 14 माइनस 10 का स्क्वायर, और उनको सम ले लिया इन सारों का और डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो हमारे पास वेरियंस आता है 8. अब ये दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली. इसके लिए अब मेरे पास प्रॉपर स्टेप्स आते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाया रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट को मैंने बता दिया क्या होता है, अब सैंपलिंग मैंने करनी है. रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक ये चीज एडिशनल कि हमारा मतलब सैंपल है ना, वो दो दफा भी आ सकता है, तीन दफा भी आ सकता है, मतलब उसमें कोई चीज हमारे पास एक फिक्स्ड नहीं है कि एक दफा ही आना चाहिए हमारा जो सैंपल है. तो मैं सबसे पहले इस, अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज को कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं किसी भी ग्रुप डेटा को, कि हमने हमारा डेटा अनग्रुप था उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी है, उसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट करना है. ग्रुप का कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है? ग्रुप में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है. सिंपल आइडेंटिफाई, ग्रुप डेटा को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है. अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले हम उसमें अपने सैंपल्स क्रिएट करते हैं. सैंपल्स में यहां पे किस चीज को कह रहा हूं? सैंपल्स में अपने कॉम्बिनेशंस को कह रहा हूं. दीज कॉम्बिनेशंस जो मैंने किस तरह बनाए, 6 और 8, 6 का कॉम्बिनेशन,
सिक्स और एट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिक्स और टेन का हो सकता है, सिक्स और ट्वेल्व का हो सकता है, सिक्स और फोर्टीन का. तो इसके साथ साथ अगर मैं एट के कॉम्बिनेशन देखूँ, एट और सिक्स का हो सकता है, एट और टेन का, एट और एट का भी हो सकता है, एट और ट्वेल्व का भी हो सकता है, और एट और फोर्टीन, मतलब इसमें रिपीटिशन हो सकती है. ये एट और सिक्स का और सिक्स और एट, ये रिपीटिशन हो सकती है, मेरे कॉम्बिनेशन से रिपीटिशन हो सकती है. लेकिन मैंने यहाँ पे सैंपल साइज जो रखा हुआ है, जिसको मैं एन कहता हूँ, वो मैंने टू का रखा हुआ है, कि एक सैंपल में जो सैंपल साइज है मेरा, वो सिर्फ उसमें सिर्फ दो आएंगे कॉम्बिनेशन में, जो मेरे पास सिर्फ दो का कॉम्बिनेशन है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते मेरे सैंपल में. अब सेकेंड स्टेप जो मैं लूंगा, मैं इस जो मैंने सैंपल क्रिएट किया इसका मैं मीन ले लूंगा. इसको मैं कह रहा हूं एक्स बार, एक्स बार को मैं कहता हूं सैंपल मीन. ये जो सैंपल मीन है, इसको मैंने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं इस सैंपल मीन के साथ फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी देखूंगा, फिर मैं इसको ग्रुप डाटा में जाके कन्वर्ट करूंगा और ग्रुप की फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा. तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप की मैं जब भी बात करता हूं, तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं साथ. अब मैं बताता हूं, ये जो सैंपल मीन है, मीन कैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने मेरा सैंपल क्रिएट किया, सैंपल में मेरे पास फॉर एग्जांपल सिक्स और सिक्स है, तो मैं इस सैंपल का मीन लूंगा. मीन किसको कहते हैं, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू डिवाइडेड बाई टू, सिक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू सिक्स, सिक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई टू सेवन, क्योंकि एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन एंड फोर्टीन बाई टू इज सेवन. इसी तरह मैं सारों के मैंने मीन कैलकुलेट कर लेने हैं. तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, सिक्स आ सकती है, सेवन आ सकती है, एट आ सकती है, नाइन आ सकती है, टेन और अलेवन की वैल्यू आ सकती है, ट्वेल्व की वैल्यू आ सकती है, थर्टीन और फोर्टीन. इनको मैंने यहाँ पे एक अब टेबल क्रिएट करना है, मैंने इसको मैंने साइड पे लिख लिया कि मेरे पास जो सैंपल मीन है वो मेरे पास ये है. इस सैंपल मीन का, इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. इस सैंपल मीन की फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे फाइंड की, मैं देखूंगा कि मेरे पास सिक्स की जो वैल्यू है वो किस कितनी दफा आ रही है इस पूरे जो मैंने डाटा हमारे मेरे पास पड़ा हुआ है. इसमें मेरे पास सिक्स की वैल्यू एक दफा आ रही है, तो एक वन मैंने लिख दिया. सेवन की वैल्यू दो दफा, एक दो. नाइन की वैल्यू वन टू थ्री फोर, नाइन की वैल्यू फोर. इस तरह मैंने सबके अक्रॉस उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली. अब मेरे पास अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा आ गया. इस ग्रुप डाटा का मैंने, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने अब मीन कैलकुलेट करना है. उसको मैं कहता हूं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मेरा मीन है. सैंपल मीन मेरे पास क्या है, सिंपल मेरे सैंपल का मीन जो है, मेरे पास जो सैंपल था सिक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू, उसको मैं कह रहा हूं सैंपल मीन. और ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरी पूरे डेटा का, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन है. तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड की. फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड करनी है, मेरे पास मकसद क्या है, मेरा अल्टीमेट मकसद है मैंने मीन और वेरियंस कैलकुलेट करना है. मीन और वेरियंस के फॉर्मूले में मेरे पास प्रोबेबिलिटी है और मेरे पास मीन है, सैंपल का मीन है. सैंपल मीन मेरे पास तो कैलकुलेट हो गया, मैंने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया. प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए थी. फ्रीक्वेंसी भी मैंने यहाँ अपने डाटा से कैलकुलेट कर ली. अब मीन कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, उसके साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज एफ बाय सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिक्स के लिए कैलकुलेट करूं तो वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव, सेवन के लिए करूं टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव, नाइन के लिए करूं फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव. तो इस तरह मैं सारों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली. प्रोबेबिलिटी और मीन को मैंने, प्रोबेबिलिटी और सैंपल मीन को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एंड पे मेरे पास आ जाएगा मीन जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो कैलकुलेट करने के लिए डाटा मिल जाएगा. तो फिर मैं एक्स बार, जिसको मैं सैंपल मीन कह रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका सम लिया और मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 10, 10 की वैल्यू आ गई मीन की. इसको मैं रिलेट बाद में करता हूं, लेकिन मैं साथ ही वेरियंस कैलकुलेट कर लेता हूं. वेरियंस में मुझे किस चीज की जरूरत है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, अब हमारी वैल्यू जो है हमारे पास सैंपल मीन जो है उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी. ये भी है मेरे, एक्स है मेरे पास, एक्स बार है मेरे पास, तो उसका मैं स्क्वायर लेके ये चीज, ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी में फाइंड कर सकता हूं, ये मैंने की हुई है एक्चुअली. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ सकती है. और इसके फॉर्मूले में हम देखते हैं कि सम ऑफ सैंपल मीन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी माइनस मीन स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मीन जो है हमने कैलकुलेट किया, इसका मीन का स्क्वायर. अब इस मीन के स्क्वायर को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 आ जाएगा. इसको हम कैलकुलेट करते हैं,
तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करेंगे, सैंपल मीन के सारे स्क्वायर ले लेंगे, उसके साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उस सारों का सम ले लिया। सम लिया तो 104 वैल्यू आई, माइनस 100 किया, 10 का स्क्वायर जो लिया था हमने, मीन का डिस्ट्रीब्यूशन मीन का स्क्वायर जो लिया था उसको 100 वो माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या था कि मैंने कंपेयर करना है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के मीन को और वेरियंस को विद द पॉपुलेशन, मीन एंड वेरियंस। तो मीन मेरे पास, मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सैंपल इज द सेम, दैट इज 10, लेकिन वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेरियंस ऑफ सैंपल। तो अब इसके लिए मैं एक रिलेशन निकालता हूं, इनकी रिलेशन मेरे पास निकली कि वेरियंस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल साइज। अब सैंपल साइज मेरे पास क्या था, सैंपल साइज मैंने यहां पे रखा 2, 1 और 2, मेरे एक सैंपल में दो वैल्यूज प्रेजेंट है, तो मेरे पास एन जो है, स्मॉल एन जिसको मैं कह रहा हूं वो 2 है। स्मॉल एन मेरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल का मेरा साइज है, तो एन यहां पे मेरे पास 2 है। वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन आया 8, वेरियंस ऑफ सैंपल आया 4, तो 2 को मैंने कैंसिल किया, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब ये रिलेशन जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो दिस रिलेशन विल ऑलवेज होल्ड कि वेरियंस ऑफ सैंपल जो हमारे पास आया, वेरियंस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन। सिंपली ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब मैं सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट देखता हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट में मतलब कि मैंने पॉपुलेशन से अपना डेटा उठाया और जिस डेटा को स्टडी किया उसको रिमूव करता गया, तो इसमें ना मेरे पास रिपीटिशन नहीं हो सकती डेटा की। इसका फायदा हमें ये होता है और हम मोस्टली यूज भी यही करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो रिपीट ना हो स्टडी करते हुए, उसको रिसर्च करते हुए। तो रिपीटिशन किसी चीज की नहीं होगी। जब मैं अपना सैंपल बनाऊंगा तो मेरे पास कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इसको अगर हम फोल्ड कर लें इस तरह, ओके, सब मैं कॉम्बिनेशन बताऊं, 6 और 8, 6 और 10, 6 और 12, 6 और 14, सारा के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया 6 का। अब मैं 8 और 6 का कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं बना सकता। दूसरी बात कि मैं 6 और 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, मेरी जो कोई भी वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। 6 और 6 का भी नहीं बन सकता, वो मैंने रिमूव कर दिया। अब 6 और 8 का तो मैं ऊपर बना आया, 6 और 8 का मैंने बना लिया, लेकिन जब मैं 8 के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मैं 8 और 6 का भी नहीं बनाऊंगा, 8 और 6 के भी कॉम्बिनेशन को छोड़ दूंगा, 8 और 8 के कॉम्बिनेशन को भी छोड़ दूंगा, 8 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, 8 और 12 का, 8 और 14 का, ये कॉम्बिनेशन बना दिए। अब मैं 10 और 10 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, तो मैं 10 और 12 का बनाऊंगा और 10 और 14 का। अब मैं 12 और 12 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, तो मैं 12 और 14 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो 14 और 14 का भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएंगे वो ये आएंगे, और इसमें भी हमारी जो सैंपल साइज है वो 2 है। ये हमारे पास सैंपल्स आ गए। अब इसका हमने सैंपल मीन कैलकुलेट करना है। ये जो सैंपल है इसका मीन कैलकुलेट करना है, 6 + 8 / 2, उसी तरह 7, 8, 9 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। इनको हमने टेबल बनाया, इनका फ्रीक्वेंसी फाइंड की, सारे सिमिलर स्टेप्स होंगे क्योंकि हमने अल्टीमेटली फाइंड भी मीन करना है और वेरियंस करना है, सारे सिमिलर स्टेप्स होंगे कि हमने सैंपल मीन कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की एफ बाई सिग्मा एफ करके, उसके बाद हमने वेरियंस कैलकुलेट किया, सेम स्टेप्स। तो हमारे पास मीन कम्स आउट टू बी सेम, लेकिन वेरियंस ना यहाँ पर डिफरेंस आता है। क्यों? डिफरेंस का जो रिलेशन बनता है ना, जिस तरह मैंने ये रिलेशन बनाया हमारे पास विद रिप्लेसमेंट का जो रिलेशन बना पॉपुलेशन के साथ, वो ये बनता है। लेकिन अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन बनाऊं विद और पॉपुलेशन वेरियंस, वेरियंस ऑफ सैंपल विद विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन के साथ, तो दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम, वेरियंस ऑफ सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज एन, 2 सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय, ये एक एडिशनल फैक्टर आ गया यहाँ पे। पहले तक तो सेम है, एस जैसा है पहले तक, लेकिन यहाँ पे एडिशनल फैक्टर आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट में कि कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉपुलेशन का साइज है। तो कैपिटल एन इज 5, स्मॉल एन इज 2, कैपिटल एन इज 5।
तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो दैट इज इट अबाउट सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड इट्स मीन एंड वेरियंस एंड द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट.